Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the semi-final episode of Comedy Circus. The countdown for the championship has begun. One more episode to go or Comedy Circus ko mil jayegi apni pehli champion jodi. Kaun si hogi wo talented jodi jo championship ke saath le jayegi 20 lakh rupay ka check, Sony Entertainment Television ke saath ek saal ka contract and yes, ye shandar trophy. Well, that's the prize for the winning team. ये तो तय होगा आज के टू राउंड्स के स्कोर्स और अगले हफ्ते यानी कि फिनाले के राउंड्स के स्कोर्स को मिलाकर. डंके पे चोट पड़ चुकी है. हमारे कॉमेडी सर्कस सल्तनत के तीन सुल्तान अपनी पोजीशंस ले चुके हैं. तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारे तीन जजेस का, अर्चना पूरन सिंह, जॉनी लीवा एंड सतीश शाह. एंड नाउ कॉलिंग अपॉन अ वेरी स्पेशल गेस्ट. आज की दोनों फाइनलिस्ट जोड़ियों को अपनी खूबसूरती से चीयर करने विक्टोरिया नंबर 203 में सवार होकर आ रही हैं नाजुक और हसीन प्रीति झांगियानी. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रीति झांगियानी, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू. सो प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू वंस अगेन. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द नेक्स्ट स्पेशल गेस्ट ऑफ द इवनिंग, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी. सबसे पहले शुक्रिया शर्मा जी कि आप हमारे शो पर आए. आ गया तो कोई जायदाद बांट दी क्या मैंने? ये भी सही है. अच्छा अब आप यहाँ आए हैं तो हमारे शो के बारे में भी कुछ चार लाइना सुना दें तो. चार लाइना क्या सुनाऊँ मैं इसके लिए? मैंने घराड़ी से कहा था पत्नी जी, क्योंकि मैं जिससे डरता हूँ जी लगा कर ही बोलता हूँ. ही करने की बात नहीं, आप भी ऐसे ही बोलते होगे. पत्नी जी, मैं कॉमेडी सर्कस में जा रही हूँ, अब क्या होगा? बोला होना क्या है, सर्कस से कोई जानवर भाग गया होगा. उसने तो यही समझा होगा ना, पता नहीं सर्कस में भर्ती होने जा रहा हूँ कि भाग लेने जा रहा हूँ. तो बस सुरेंद्र जी, आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया ताकि हमारी जो फाइनलिस्ट जोड़ियाँ हैं उनके लिए ये राउंड और भी टफ हो जाए कि वो आपको हंसा पाए तो हम उन्हें माने. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को इतना हंसाते हैं तो खुद आप क्यों नहीं हंसते, मुस्कुराते तक नहीं? मैं कविता सुनाते समय ब्याह का दिन याद कर लेता. तो क्योंकि मुझे याद है जब मैं अपनी घराड़ी को विदा करा के ले जा रहा था तो बैंड वाले ये गाना बजा रहे थे, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले. तो चलिए कोशिश करते हैं कि आज हम आपको यहाँ पर बैठकर हंसा सकें, मुस्कुरा सकें, जो भी हो सके हमारी टीम से. पर वो रिकॉर्ड में टीवी पर मत दिखाना. अच्छा ठीक है. क्योंकि मेरी घराड़ी कहेगी घर में तो सूजे पड़े रहते हो, बाहर क्यों हंसे थे ये बताओ. अच्छा, तो शर्मा जी. हाँ. जाते जाते आप पता नहीं इसके बाद हमारी टीम सक्सेसफुल हो या ना हो, जरा एक बार हमको दिखा तो दीजिए कि आप मुस्कुराते हुए कैसे दिखते हैं ना. प्लीज प्लीज, मैं इतने प्यार से प्लीज बोल रही हूँ, सिर्फ उसके लिए एक बार मुस्कुरा के. उसके लिए फिर अलग चलते हैं कहीं. ठीक है आप बैठिए. हाँ. तो आइए शुरू करते हैं आज का कॉमेडी सर्कस का सेमी फाइनल धमाका. टू राउंड्स टू गो. पहला हंसा के दिखाओ, एज आई टोल्ड यू द टफेस्ट ऑफ ऑल द राउंड सो फार. इसमें बाकियों को हंसाने के अलावा जोड़ियों को सुरेंद्र शर्मा जी को भी हंसाना होगा. जजेस, वो क्या है कि स्वप्निल और वीआईपी को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो तब तक के लिए लेट्स कॉल ऑन स्टेज टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू, आप सबकी चहेती जोड़ी उर्वशी एंड शकील. यहां दे कम. बस करो यार, करने तो दो. जॉनी भाई सलाम अलैकुम. सतीश जी सलाम अलैकुम. अर्चना भाई सलाम. अर्चना बहन सलाम अलैकुम. तुम्हारे पास तो बाद में आता हूँ मैं. ओहो सेरेना विलियम्स. शुरू करें? अच्छा शुरू करते हैं. अरे यार बड़ा अजीब मामला है यार, झगड़ा करके आ रहा हूँ मैं ऑटो वाले से,
यार मैंने कहा तू अंधेरी जाएगा, बोला हाँ, मैंने कहा तो जा फिर दफा हो, यहाँ क्यों खड़ा है, झगड़ा हो गया मेरा ऑटो वाले से। तू ऑटो वाले के मुंह क्यों लगती हो? तो क्या तुम्हारे मुंह लगूं? चल शुरू कर। सुनो मैं सोच रही हूँ। अरे तुम क्यों सोच रही हो, सोचने का काम तो वरुण बड़ोला का है, तुम मत सोचो। अच्छा चलो बताओ बताओ क्या सोच रही थी बताओ। मैं ना शादी करना चाहती हूँ। बताइए। अरे यार तू मोहल्ले से गुजरती ना 10-20 तलाक ऐसे ही हो जाते हैं, तू शादी करना चाहती है? अरे तेरी शादी नहीं हो सकती। एक बात बता यार, तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चे शादी नहीं करते ना, तो माँ कहती बेटा जिससे मैं कह रही हूँ उससे कर ले, वरना विदाउट मेकअप की उर्वशी से करवा दूंगी। लड़का फौरन तैयार हो जाता है। और मैंने तुझे 10 बार कहा कि विदाउट मेकअप यहाँ मत आया कर, मत आया कर। इसने कहा नहीं आज फाइनल है जी, मैं विदाउट मेकअप आऊंगी। विदाउट मेकअप आई है ना, तेरी शक्ल VIP की तरह लग रही है। अच्छा बता 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 एक बात बता, तू शादी करना क्यों चाहती है? मैं ना, मेरा सपना था जब मैं 2 साल की थी ना, तो मैं स्वागत बनाऊंगी, ये मेरा सपना था। बताइए जाहिल औरत 2 साल की उम्र में सुहागरात मनाने का सपना देख रही है। अल्लाह माफ करे, भगवान करे तू मिठाई खाए, इमली का स्वाद आए तुझे। नाराज हो गई, नाराज हो गई। किसी और को पता नहीं चल रही है, मुझे पता चल रहा है कि नाराज हो गई। क्या विदाउट मेकअप आई है ना, तो एक्सप्रेशन चेंज पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है काला धब्बा लगा दिया हो। मुझे 10 बार कहा विदाउट मेकअप मत आया कर यहाँ, तो नाराज होती है, पता नहीं चलता मुझे। मुझे पता चल गया तू नाराज। अच्छा चल मैं चल 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 सुहागरात मनाएंगे। एक बात बता, शादी करना चाहती तू? अगर मैं तेरी शादी करा दूँ, सुहागरात मनवा दूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, जूते साफ करूंगी, मैं तुम्हारे सामने नाचूंगी। हाँ ये अच्छा करेगी तू, नाच नाच मेरे कर्जे उतर जाएंगे। तू नाच। मेरे क्या उतर जाएंगे, मेरे तो खैर उतर गए 12 एपिसोड में, इनके उतर जाएंगे सारे के सारे कर्जे। तू नाच, तेरी शादी करवाऊंगा मैं, तू जरूर नाच। एक बार बता, एक इश्तिहार देते हैं अखबार में तेरी शादी के लिए, क्या छापेंगे तेरे बारे में इश्तिहार में शादी के? बता बता सारी लाइनें मैं ही बोलूं। खूबसूरत, सुशील, सुंदर, ये तुम्हारे बारे में लिखा? तुम्हारे बारे में तो कुछ लिख ही नहीं सकते यार। एक बात बताओ, लड़के के बारे में क्या सुनाना चाहती हो? बोलो लड़के के बारे में क्या लिखे, कैसा लड़का जी? पैसे वाला हो, खूबसूरत हो। जल्दी बोलो, मैं इतना बोलता हूँ, तुम इतना सा बोलती हो, पैसे बराबर के लेके जाते हम दोनों। जल्दी बोलो। और सुनो बात सुनो बात सुनो, ये हिलना बंद मत करो, इसी के नंबर मिलते हैं तुमको, हिलो। हाँ क्या कह रही थी तुम, कैसा लड़का चाहिए तुमको? मुझे ना पैसे वाला चाहिए, नौजवान चाहिए, हैंडसम चाहिए। मतलब 3 अलग अलग लड़के चाहिए तुमको? क्योंकि पैसे वाला, हैंडसम और नौजवान, ऐसा एक मर्द नहीं मिलेगा तुमको। ऐसे मर्द को अफवाह कहते हैं, अफवाह, ऐसा एक मर्द नहीं होता। अच्छा छोड़ छोड़ एक काम, ओहो मैं समझ गया, नाराज हो गई तू, नाराज हो गई। चल चल मैं तेरी शादी करवा दूंगा। और तू नाराज क्यों होती है? मैं तेरा दोस्त हूँ यार, अभी तेरे को दोस्ती का मैं अभी अभी वो तू मेरे दोस्त हूँ या दुश्मन? अरे मैं तेरा दोस्त हूँ। मेरी माँ लाइन भूल गई थी, लाइन क्यों भूल जाती, तेरी लाइन थी, वहाँ रिहर्सल करवाता हूँ, याद नहीं रखती। दोस्त हूँ मैं तेरा, ठीक है बोलो, दोस्त हूँ मैं तेरा। अरे मुझे तो लाइन बोलने दे, मैं तो बाय हार्ट करके आया हूँ। मैं असली शकील थोड़ी हूँ कि घुमाते घुमाते उसी पॉइंट पे ले आऊंगा। विदाउट मेकअप मुझे ऐसे देखती है तो मुझे लगता है कि राणा तुंगा की विधवा मुझे देख रही है। यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर यार। वो यार 3.5 फीट वाला सुपरमैन प्रताप फौजदार मेरे पैसे लेके भाग गया, वापस ही नहीं कर रहा यार। वो चड्डी ऊपर पहनता है, वो पैसे लेके भाग गया मेरे। सुनो मैं तुम्हें दिखाती हूँ पैसे कैसे लेते हैं। ओहो जज साहब 2 नंबर ज्यादा देना, पूरी की पूरी लाइन बोल गई है। केस करो, मैं पैसे मांग रही हूँ, तुम मना करना। ठीक है मना करता हूँ। सुनो मेरे पैसे दे दो। जा नहीं देता। मैं कहते हूँ पैसे दे दो। नहीं देता। आखिरी बार कहती हूँ पैसे दे दो। जा यार नहीं देता। नहीं देते 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 पैसे 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 ले ले पैसे ले ले यार। एक बात बता, पैसे मांग रही इज्जत लूट रही थी। चल अब मैं पैसे मांगूंगा, तू मना करना, मैं मारूंगा, ठीक है? ओके चल मेरे पैसे दे, ये ले। अबे मना तो कर, तेरे पैसे तू ले ले। अरे
तेरा सत्यानाश जाए, जाहिल औरत पैसे दे दिए, मुझे पीटने का मौका भी नहीं दिया। ओ अकरम की माँ कहाँ जा रही हो? नंबर तो ले जा। ये अकरम कौन है? ये वही अकरम है जिसे मैं तो दुनिया में लाना चाहता था लेकिन तुमने मना कर दिया। अरे नंबर तो ले ले यार, हम क्या कर्जा लेने आए इनसे, क्या बंद कबाब लेने आए? आइए आइए, अभी तो आप बाकी आइए आइए। वाह वाह माशाल्लाह। बता दूं आपको, आपने मुझे कुछ कहा ना तो मैं उसकी बैंड बजाऊंगी। नहीं अच्छा गाऊंगा, मीठा गाऊंगा तुम्हारे बारे में कुछ। ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्ट्रॉबेरी कुल्फी पे चमचम रख दिया हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये स्त्री के पैसे क्यों बचवाए? नीचे करवा ली, ऊपर भी करवा ली थी। अरे अब हिलना बंद करो, हो गया, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, हिलना बंद करो। मैं आपको नंबर एक बात बता दूं, ठीक है, अगर आपने ये ट्रॉफी जीत ली और आपको वो 20 लाख रुपए मिल गए तो उसका तीसरा हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि वैसे आपकी सारी जोक्स पर सुरेंद्र जी नहीं हंसे थे लेकिन अभी मेरे कपड़ों पर कमेंट किया तो वो मुस्कुराए। इससे पहले कि हमारी ज्यूरी मेंबर्स हमें बताएं कि उन्हें आपकी ये परफॉर्मेंस कैसी लगी, वेलकम बैक टू द सेमी फाइनल एपिसोड ऑफ कॉमेडी सर्कस। सो प्रीति, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस? आई थॉट दैट दे वर एब्सोल्युटली फैबुलस। आई गॉट टियर्स इन माय आइज लाफिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो सुरेंद्र जी बताइए, आप अभी मुस्कुराए थे, मैंने आपको देखा। हाँ। कैमरा ने शायद नहीं देखा लेकिन मैंने जरूर देख लिया, तो मैं खुश हूँ, लेकिन इन्हें भी जरा खुश कर दीजिए, बताइए कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस। सही बात है, अगर ये उर्वशी इंद्र के पास होती तो कभी का सुसाइड कर लेता। लेकिन बहुत बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सेमीफाइनल राउंड है, जितनी तुम्हारे दिल में धकधक हो रही है उससे कहीं ज़्यादा हम तीनों जजेस के दिल में हो रही है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी हैवी बर्डन जो हम कैरी कर रहे हैं अपने शोल्डर्स पर। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर टुडे इज विन द ट्रॉफी, और इतनी क्यूट और माइंड ब्लोइंग जो ट्रॉफी है, आई थिंक आप दोनों जो जिन्होंने जो इतना माइंड ब्लोइंग जो परफॉर्मेंस दिया है, राइट नाउ आई'd लाइक टू से इट्स रियली वर्दी ऑफ गेटिंग दिस ट्रॉफी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अर्चना जी। Little premature because मैंने अभी दूसरी जोड़ी का नहीं देखा, मे बी अनफेयर इन अ वे, बट दिस इज माई कॉम्प्लीमेंट टू यू। तुमने इसको उर्वशी को जो ऑब्जर्व करके मिमिक किया है, दैट इज ट्रूली ग्रेट। बट स्वप्निल, तुम्हारा जो ये टैलेंट उभर उभर के जो इतना ऊंचा आया है, एंड फॉर यू वीआईपी ऑल्सो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑनर मैन, थैंक यू सो मच, ऑनर, थैंक यू। आई एम गोइंग टू गिव यू दिस 9 because I know there's one more performance to come, right? Yes, which we are going to judge you on, and one more. So you have to do even better than this, I heard. Thank you so much. Thank you. I think you were slightly better than what she said you were. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And bhai tumhare aaj ke is performance mein इंतकाम की बुआ आ रही थी। नहीं सर, ऑनेस्टली आप मौका दिया तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये इस परफॉर्मेंस के पीछे की वजह सिर्फ एक ही है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये कैमरा के सामने कह रहा हूँ। नहीं कबो, शकील भाई इज माय फेवरेट स्टैंड अप ऑन द शो, लाइक एवरीबडीज फेवरेट स्टैंड अप ऑन द शो। जब शक दिस इज माइन एंड वीआईपीज ट्रिब्यूट टू शकील भाई एज अ स्टैंड अप, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। एंड डोंट फॉरगेट उर्वशी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उर्वशी को तो मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि ये कह देगा। वही ना, बोलते हुए भी उसने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। विदाउट हर रिएक्शंस योर जोक्स वुड हैव फॉलन फ्लैट टोटली। मुझे आपका कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया। थैंक यू सर। और मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा, मैं आपको 10 दे दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं कुछ कहे बगैर उठना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब कहूँगा थैंक यू सो मच। इस शो को कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं वो लोगों ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सर। इस आइटम को तो जो आपने पकड़ा है शकील भाई को, वाह 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 वाह। उर्वशी को भी वीआईपी ने जो आए हाय है वीआईपी तरीके से पकड़ा तूने यार, नायगांव गोरेगांव बदगांव जो है ना बराबर पकड़ा। ये आइटम है ना एक्चुअली बहुत ही चैलेंजिंग वाला आइटम है। जी सर। इस पर हाथ रखना यानी कि बहुत ही मेहनत काम है, डेंजरस। और ये दोनों का आपने दोनों पे आइटम बना के उसको बाकायदा उसको सक्सेस कर दिया आपने, माइंड ब्लोइंग कर दिया। थैंक यू सो मच सर। बस मैं आपको 10 दूंगा भाई। थैंक यू जॉनी भाई, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। अनदर 10 पॉइंट्स। ये आप सबके मार्क्स नहीं है, ये आप सबका आशीर्वाद है हमको। थैंक यू सर। वेरी सॉरी अबाउट द ड्रेस कमेंट। नो नो, जस्ट ए बिग थैंक यू, एक्नॉलेज इट ऑन कैमरा। अब तो बख्श तो उसे। और चल यार, ऑटो रिक्शा वाला रुका हुआ है मेरा। बाय, थैंक यू। तो स्वप्निल और वीआईपी की परफॉर्मेंस वाज इवन बेटर देन द रियल थिंग, और उन्होंने तो धावा बोल दिया है। अब बारी है दूसरी फाइनलिस्ट जोड़ी की, तो मिलते हैं इस इटर्नली इनसेपरेबल जोड़ी से, जो है अली एंड काशिफ। बस ए बस रुको, बस रुको रुको रुको, ए कंडक्टर भैया गांडी खींच के रोको, चला गया, पता नहीं अब दूसरा बस कब आएगा। एक तो दिस टाइम ना ब्लैडी रिक्शा वाला मेक वेरी नाखराज। ए सुनो, 69 नंबर की बस यहाँ रुकती है क्या? एक्सक्यूज मी, तुम पहले लाइन में आओ, चलो ब्लडी 69। अरे मुझे तो तुम्हें देख के ही पता चल गया था कि तुम भी ऑडियो कैसेट हो। तुम भी मतलब YouTube रूटर्स? चलो जाओ यहाँ से, गो अवे गो अवे गो अवे। क्यों जाऊँ, क्या मैं तुमसे उधार मांगने आया हूँ? देखो एक तो वैसे ही लोग है ना, मुझे घूर घूर के स्टेयर करते रहते। अरे तू क्या समझता है कि सिर्फ तुझे ही घूर घूर के देखते हैं? लोग तो मुझे भी घूर घूर के देखते हैं, हाँ, और उन्होंने मेरा भी जीना दुष्पार कर दिया है। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तू तो टॉप टू बॉटम ही ऐसे है। तुझे देख के ऐसे लगता है जैसे मालिका शेरावत की आत्मा तेरे अंदर आ गई हो। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर। ए, नो घी शक्कर, ओके, इट्स वेरी फैटनिंग। अरे अगर मेरे अंदर मलिका शरावत की आत्मा आ गई ना, तो मैं तो एक ही रात में अरबपति हो जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, तू अरबपति नहीं हो जाएगा, कोई अरब तेरा पति हो जाएगा। ए देखो देखो देखो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ क्यों, तेरे मुंह से आग निकलती है क्या? अरे आग से भी गर्मा गर्म बद्दुआएं निकलती हैं। तू क्या बद्दुआ देगा मुझे, आई डू द नीड फ्यूल। तेरी ऐसी शादी हो कि तेरी बीवी तुझे भैंजी भैंजी कहकर बुलाए। अरे तू सुहागरात को कमरे में जाए और तेरा फ्यूज उड़ जाए। वही फ्यूज उड़कर है ना तेरे अंदर फिट हो जाए। अरे सुहागरात को तेरी बीवी तुझे पास बुलाए और तू फेल हो जाए। सुहागरात मनाने तू अंदर जाए और तेरी बीवी तुझे कहे सिस्टर वेयर इज योर ब्रदर। अरे कोई तेरा ऑडिशन ले और तेरा हूं 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 हो जाए। कोई तुझे बैंकॉक ले जाकर तेरे अंदर हवा भरे। हाँ हाय, ये तो कुछ सुनावा लग रहा है। ए, तू होनी है ना? अनहोनी। सोनी आंटी का लड़का? मोनी आंटी का लड़का? होनी। लेकिन सोनी आंटी के तो हवा भरी हुई थी, तू कहाँ से आया? अरे पागले, मैं वाइल्ड काइट एंट्री हूँ। छल्ला कहीं का कहावत भी नहीं समझता। लेकिन लेकिन मैं कैसे मान लूँ? यू डोंट बिलीव। बिलीव की बात नहीं, बस यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा? देख मैं साबित तो नहीं कर सकता, हाँ प्रूव जरूर कर सकता। हाँ ये देख, पानी से दिखा। ये देख बाल्टी का निशान। अरे अच्छा, और ये देख क्या, मेरे भी बाल्टी का निशान। अरे तुझे पता है फिल्म इंडस्ट्री में ना मुझे मेकअप आर्टिस्ट का काम मिल गया है। हाँ सलमान खान मेरे फिल्म का हीरो है, मुझे देख के कहने लगा कैसी हो मेरी ऐश्वर्या राय। बड़ी अजीब राय है सलमान खान की। देखो मेरे सलमान खान के बारे में कुछ मत बोलना, वो मेरा सब कुछ है। हाँ सब कुछ वही है, इसलिए तेरे पास कुछ नहीं है। वेरी फनी। तू क्या करता है? मैं अक्षय कुमार को कपड़े पहना रहा हूँ आजकल। हाँ ना, डिजाइनर हूँ ना उसका। अच्छा, इतने दिन बाद मिला है, कोई ढंग की बातें करना। ढंग की बात मैं क्या करूँ, मुझे सोचने दे। hey, तेरे को पता है वो स्वप्निल जोशी है ना चिकना? हाँ। वो चिकना नहीं है, वो बाहर मुझे मिला था, कह रहा था प्रोग्राम के बाद मुझे साइड में मिले। अच्छा वो जो उसके साथ, वो नहीं वो काला कट्टा? हाँ मुझसे कह रहा था साइड में मिलूं। यार एक बात बता, ये लोग साइड में मिलने के लिए जिद क्यों कर रहे हैं? हो सकता है ये उनका साइड बिजनेस हो। अरे पर ये तो हमारा साइड बिजनेस है ना। वैसे बंदे का साइड बिजनेस कोई भी हो, बस बैकग्राउंड खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। और अगर बैकग्राउंड खराब हो जाए ना तो सोसाइटी में उठना बैठना मुश्किल हो जाता। आउच।
चलो खड़े हो, इससे पहले कि सोसाइटी हम पे उंगलियां उठाए, आज हम एक फैसला करते हैं। साथ जीने मरने का? अरे तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली यार, आ जा। इसके साथ ही दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला किया और आगे क्या हुआ ये फिर कभी बताएंगे। आज मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज पहली बार आप दोनों असली कैरेक्टर्स में आए हैं, इसलिए परफॉर्मेंस इतनी एफर्टलेस रही, क्यों प्रीति? इट वाज एब्सोल्युटली विदाउट इनहिबिशंस। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे आपके एक्सेसरीज बहुत पसंद है, ये पाउच विद द केला एंड द शूज, दैट्स जस्ट सिक। कैन आई सॉ द केला, ओह माय गॉड, एंड दैट्स डिसगस्टिंग, एंड द शूज and the shoes and everything, very nice. वो क्या बस में थोड़ा टाइम लगता ना तो भूख कहीं भी लग सकती है आदमी को, and the clip and the tattoo and everything, fabulous. Thank you. I love it. Preeti, you think you'd give them a job as your stylist and makeup artist? I would think they're very talented. No? I would. I'm fooled. सुरिंदर जी आप थोड़े खफा से लग रहे हैं ना, मुझे तो ये लग रहा है कि इतने साल बाद ये राजहंस आज जाहिर हुआ है कि ये क्या है, हम तो वही समझ रहे थे अभी तक ठीक ठाक इनको, भगवान करे जिंदगी भर ऐसे ही रहे। लेकिन शर्मा जी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? मेरे ख्याल से जितना ये उसमें कमा रहे ना उससे ज्यादा इस काम में ज्यादा कमा लेंगे, है ना? हमारी जजेस अब आपकी बारी। अब तक जितने आपने किए थे उससे जरा हटके है और बहुत अच्छे किए, लेकिन मैं ज़्यादा उम्मीद कर रहा था और भी अच्छे हों, पंचेस हों। इसके पहले के परफॉर्मेंस आपके बहुत बढ़िया थे, इसमें थोड़ा सा मैं ना समझ गया, मैं आपको 8 मार्क्स दूंगा और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है नेक्स्ट में फोट डालिए। 8 पॉइंट अली और काशिफ, हो सकता है गलती मेरी हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये इस पर्टिकुलर जिसे कहते हैं ना दौर पे या पायदान पर आकर जो होना चाहिए वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कम था। और मुझे आप लोगों से, आपको जो सुन के हो रही है इस वक्त, उससे ज़्यादा मायूसी मुझे हो रही है इस बात की कि इट इज़ नॉट एज आई हैड प्रेडिक्टेड इट और आई हैड एक्सपेक्टेड इट। So please bear with me this time. I'll give you 8 also. 8 points. ये ट्रांसजेंडर आपने पहले इतना बढ़िया किया था, यू नो ये जो क्रॉस सेक्सुअल जो आपके रेफरेंसेस थे वो इतना बढ़िया आपने पहले किया था, ये आइटम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए हमको शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। सो एट दिस पॉइंट यू आर गोइंग टू बी कंपेयर्ड ओनली विद वन मोर जोड़ी, एंड आई कैन टेल यू दैट इस राउंड में वो जोड़ी आपसे डेफिनेटली बेटर थी, बट वी स्टिल लव यू, यू आर आर गॉर्जियस सोनी एंड मोनी, यू आर आर गॉर्जियस सोनी महिवाल, ऑल दोज एक्ट्स यू हैव डन, यू आर स्टिल ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस, और खुदा तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। आई एम गोइंग टू गिव यू एन 8 आल्सो, अनदर 8 पॉइंट। थैंक यू होनी एंड होनी। तो ये था ग्रैंड एंड ग्रेट फर्स्ट राउंड। सेमीफाइनल के फर्स्ट राउंड में जज स्कोर्स के हिसाब से हमारी दोनों जोड़ियों की पोजीशंस हैं। स्वप्निल एंड वीआईपी लीडिंग विद 29 पॉइंट्स एंड अली एंड काशिफ विद 24 पॉइंट्स। जोरदार तालियां दोनों टीम्स के लिए। सेमीफाइनल्स की बाजी का राउंड 2 बाकी है, लेकिन हमारे अजीबो गरीब राउंड 2 के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार। पिछले 11 हफ्तों में जहां हमारी जोड़ियों ने कॉमेडी को एक नया मकाम दिया, वहीं कॉमेडी सर्कस ने इन जोड़ियों को भी एक नई पहचान दी। टेलीविजन के ड्रामा के ये प्यारे सितारे आज स्टैंड अप कॉमेडी के हो गए हैं आंखों के तारे। सो ऑन पॉपुलर डिमांड हम गए इनके दीवानों के बीच। शुरू करते हैं अपना सेकेंड राउंड जो है जरा हटके। इसमें हमने जोड़ियों को चैलेंज दी है कि वो अजीबो गरीब कैरेक्टर्स के पैर बनाकर उन पे कॉमेडी करें। तो देखते हैं कौन सी जोड़ी किन कैरेक्टर्स के मिक्सचर रूप में आती है। द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑन द चार्ट इज स्वप्निल एंड वीआईपी एज मंदिरा बेदी एंड न्यू जोक सिंह बुद्धू। याद है काम? शटर अप। ओप्स सॉरी। ओए क्या टाइमिंग है गुरु।
ये टाइमिंग वीरेंद्र सहवाग को मिल गई होती तो आज हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होती गुरु। टाइमिंग का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत टाइम दिया सहवाग में, क्रीज पे कम ड्रेसिंग रूम में ही ज्यादा रहता था। बुद्धू पाजी प्लीज हंसना बंद कर दीजिए, ये क्रिकेट शो है, लाफ्टर शो नहीं है। आपका हो गया हो तो मैं बोल लूं? ओ बोल। आप पहले ऐसे शख्स हैं बुद्धू पाजी जो बुद्धू भी है और पाजी भी। ओए इस तरह से तू कहती जाती है गुरु, जिस तरह से जमीन पे करने पे पिशाब बहती जाती है गुरु। ओ ये बता तू क्रिकेट में तेरा क्या काम है? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है क्योंकि इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 तो फुटबॉल में भी होते हैं। हाँ लेकिन वो तो पूरा का पूरा टाइम फील्ड पे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में तो कोई नहीं होता। और फील्डिंग करते समय 12th मैन तो होता है ना, और फिर कोच, मैनेजर, फिजियोथेरेपिस्ट, ग्राउंड्समैन, फैंस। बस कर गुरु। और पता चल गया तेरे को क्रिकेट के खेल के बारे में बहुत बड़ा नॉलेज है तेरा गुरु। हाँ मैं तो बचपन से बहुत खाई खेली हूँ। मतलब क्या है? मेरा मतलब है क्रिकेट खेली हूँ और नूडल्स खाई हूँ, आप खाएंगे? बस ये वाले खा सकते हैं, ये वाले खा सकते हैं, ये शेजवान है, ये हक्का है, ये वाले मत खाना, ये मेरे ब्लाउज के नूडल स्ट्रैप्स हैं। वाह गुरु वाह। और जिस तरह पब्लिक जुगनी के रोशनी से और दिवाली नहीं बनाती, उसी तरह से समंदर में सुसु करने से सुनामी नहीं आती गुरु। What in the world is the connection of that with noodle straps? क्या कहना क्या चाहते हैं आप बुद्धू पाजी? ओए मुझे खुद को नहीं पता मैं कहना क्या चाहता हूँ गुरु, तो मैं कैसे बताऊँ तुझे गुरु। एक बात बताओ, आप हमेशा गुरु गुरु कहते रहते हो, अगर आप क्रिकेट के गुरु हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। बताओ मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में क्या होता है? ओ मिड ऑन सतीश जी है और मिड ऑन जॉनी भाई, ओ बीच में तो थर्ड मैन होता है गुरु, थर्ड मैन। ओहो हो आप कितने इंटेलिजेंट है बुद्धू बाजी, आप चाहें तो मेरे थर्ड मैन बन सकते हैं। ओ चक दे पट्टे, खोद दे खड्डे, तोड़ दे सिग्नल गुरु, मैं तेरा थर्ड मैन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सेवा को युवराज का क्या होगा गुरु? सुरेंद्र जी कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? मेरे ख्याल से इन दोनों को क्रिकेट का खिलाड़ी बना देना चाहिए, हारना तो है ही, यही क्यों नहीं हो फिर। आप मुस्कुराए तो सही, चलिए कोई बात नहीं। मैं तो बगल वाले को देखकर मुस्कुराए। अच्छा चलिए आपकी बगल वाली से पूछते हैं, प्रीति हाउ डिड यू लाइक द परफॉर्मेंस? पहली बात तो मैं आपको पहचान ही नहीं सकी। थैंक यू, इट्स फैबुलस। आपको अपने मेकअप पर्सन को डेफिनेटली कांग्रेचुलेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आई एंजॉयड इट वेरी मच, but there were just so many other things that could be done. I know. With the act, and there's so many other topics. But of course, I love the noodle strap. I love the noodle strap. It's very inventive. Okay. Wah guru wah. कमाल कीता भाई, तुहाडा जवाब नहीं है, और जब भी कोई एक्ट ले आते हो उसमें जान डाल देते हो। ओह जी इसमें कोई शक नहीं है, और जीवन की हवा कभी नरम हो कभी गर्म हो है जी, और जितना गर्म हो पिछली बार था उतना गर्म नहीं था, ठंडा हो गया जी, पूरा मामला ठंडा हो गया है, बिल्कुल नया है। लेकिन भाजी मैं फिर भी, आपने थोड़ा बहुत किया है अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है, है जी मैं आपको 8 मार्क दूंगा भाजी। VIP तुम्हारा जो ये बुद्धू उपाजी है बहुत बढ़िया है एज एन एक्ट सेपरेट, लेकिन जो तुमने पर्सनली जो ये टेक ऑफ किया है बुद्धू उपाजी में बहुत बढ़िया किया है, यू कॉट द नर्व्स। और मदिरा जी जब आप आए तो द प्रॉमिस वॉज टू गुड जी, लेकिन मदिरा और बुद्धू एक साथ जी इसको जहाँ ले जा सकते थे जी
वो मैंने नहीं देखा जी। हालांकि वो नहीं हो पाया जिसका जिसकी हमें उम्मीद थी और जिसका जिसकी आपकी काबिलियत है जी। तो इसलिए हमारी भी वो काबिलियत है मार्क्स देने की जी। लेकिन उस काबिलियत से कम मैं आपको मार्क्स दूंगी। आई गिव यू एन 8 जी। अनदर 8। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जैसे अर्चना ने भी कहा कि वो सारी बातें नहीं आई जो जो आनी चाहिए थी जी, जी। अर्चना जी इतना कुछ बोल गई कि इतनी सारी बातें बोल गई कि मेरे पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। और मुझे भी यही लगता है कि जब आप लोग जब आए थे तो आई वॉज बीमिंग विद प्लेजर के एक नई कौड़ी ले आए। हो सकता है आपका अर्लियर परफॉर्मेंस आपका दुश्मन बन गया। बिल्कुल यू नो क्योंकि कंपेरिजन हो जाता है कि भाई पिछली बार इतना गजब किया और अभी तो ये बन के आए जी। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था लेकिन वो कुछ पंचेस कम पड़ गए। आई गिव यू 7। बुद्धू पाजी के ड्रामेटिक अंदाज और मदिरा के लटके झटकों ने तो अपना रंग जमा दिया। और अब लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर द नेक्स्ट फाइनलिस्ट जोड़ी अली एंड काशिफ एज द अजीबो गरीब पेयर ऑफ आमिर खान एंड शाहरुख खान। हियर दे कम। ए कौन है? आइला। अबे आमिर तू मेरे घर में क्या कर रहा है? मैं चाय पीने आया हूँ। अरे इस वक्त चाय पीने आए तू है? वो तेरे हाथ में क्या है बता, तेरे हाथ में क्या है? ए देख देख मेरे पीछे नहीं आना, मेरे को तेरे ऊपर डाउट है। हाँ ए, तेरे हाथ में क्या है बता? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बैठे बैठे। हाँ लगान का बैठ तो तू इसलिए साथ लेके घूमता है ना ताकि लोगों को बता सके कि तुझे इस पे अवार्ड मिला था। हाँ 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 बता हाथ में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ए रानी क्या हाल है? हाँ आइला उतरी, ओ उतरी। अवार्ड चुराने आया था तू है? अवार्ड वैसे तो कोई तुझे अवार्ड देता नहीं। हाँ देख माफ करना मैं चोर नहीं हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ, क्रिकेटर। हाँ मैं शॉर्ट हाइटेड एक्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अरे अवार्ड चुराने आया तो तू चोर ही होगा ना? आइला वैसे तो तू कहते है कि तुझे अवार्ड नहीं चाहिए। हाँ अरे मुझे नहीं चाहिए यार, सारा लोचा तो तेरी काम वाली भाई ने कर दिया यार। तेरी भाई मेरी भाई को ताने मारती है, बोलती है अगर भाई तेरे साहब का शेल देख उसमें तो एक भी अवार्ड नहीं है, मेरे साहब का शेल देख उसमें स्क्रीन अवार्ड, उल्टा अवार्ड, आईफा अवार्ड, पुल्टा अवार्ड, खालिद मोहम्मद अवार्ड, उत्तरी फिल्मफेयर अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड सब है, सब है। ओह ये क्या बूढ़ा हो गया क्या, हॉकी स्टिक लेकर घूमता है? ये हॉकी स्टिक नहीं। हाँ आजकल मैं लड़कियों को हॉकी सिखा रहा हूँ। अच्छा गरीब एक्टर तो गरीब खेल ही खेलेगा ना, हम जैसे अमीर एक्टर क्रिकेट खेलते, क्रिकेट। मुझे पता है तू अपनी हीरोइन के साथ क्या खेल खेलता है। अच्छा और तू? सब जानते हैं मैं अपनी हीरोइन के साथ कुछ नहीं खेलता। और मैं ये जानता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है। उत्तरी कारण क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है? कैसे याद आया? अरे किरण से तो शादी अब मेरी हुई है लेकिन तू तो पहले से उसके पीछे पड़ा हुआ है। ए तूने भी तो मेरी गोरी से शादी होने के बाद भी अपने फिल्म में उसका नाम लिया था, गाना गाया था उसके लिए, ओ रे गोरी मान भी ले बात मोरी। उतरी उतरी कट इट कट इट कट इट कट इट, लेट मी टेल यू, बोल कुछ ऐसे थे, ओ रे गोरी गोरी, गो के पीछे ओ की मात्रा आती है जबकि गौ के पीछे गौरी के पीछे ए, गौरी में क्या है ये मुझे पता है। हाँ अरे तुझे ही पता होगा ना, तेरी बीवी जो है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे घर में चोरी करने के लिए आया ना। आज तेरी शामत है। अच्छा उतरी उतरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुझे तो एक्शन करना भी नहीं आता। एक काम कर, तू इधर रख दे, ये इधर रख दे, इधर रख दे, एक्टिंग की पाठशाला बाद में, चल तुझे पहले एक्शन सिखाता हूँ। ये देख मुझे क्या सिखाएगा तू? हाँ? अरे तू देख तो सही देख, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मुंह जमीन के बिल्कुल पैरेलल इधर 22 डिग्री नॉर्थ की तरफ रखता हूँ, ओके? अब तू अपना हाथ यहाँ से साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर की तरफ से ले आना, ओके? और एक मिनट उतरी, पहले एक्शन तो बोलने दे बाद में मार बेटा, चलो एक्शन उतरी। स्पीड थोड़ा कम था, स्पीड थोड़ा कम था, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, टेक 47 उतरी, स्पीड थोड़ा बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, स्पीड थोड़ा कम करो, स्पीड कम करो, टेक 107 उतरी। ये अच्छा था, ये अच्छा था, एक और मारू? हाँ नहीं 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 नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। दरअसल क्या है ना, मैं तुझे बताऊँ शाहरुख, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं अपने हर कैरेक्टर पे मेहनत करता हूँ। जैसे मंगल पांडे के लिए मैंने 2 साल मेहनत की थी। क्या मेहनत की थी तूने? हाँ मैंने घर बैठकर अपने बाल और मूछें उगाई थी। मैं अपनी अगली फिल्म में हाँ। मैं अपनी अगली फिल्म में तुझे रोल देता हूँ। हाँ ही जड़े का रोल है, फिर देखता हूँ क्या घटाता और क्या बढ़ा दे तू। हाँ
अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुझे मेन रोल देता हूँ, आमिर खान प्रोडक्शन प्रेजेंट कुत्ता और गोली। कुत्ता भाग रहा है, पीछे से गोली आ रही है, कुत्ते को गोली लगी, कुत्ता डेड, फिल्म खत्म। ए ये कौन सी फिल्म है? हाँ अभी शुरू भी नहीं हुई और खत्म भी हो गई। शॉर्ट फिल्म है, अवार्ड के लिए, अवार्ड के लिए। ए, लेकिन मैं कुत्ते का रोल नहीं करूंगा। आइला तुझे देगा भी कौन है यार, कुत्ते का रोल तो मैं करूंगा। और वैसे भी अगर तू कुत्ते का रोल करेगा तो लोग कहेंगे इस कुत्ते की माँ जरूर बकरी रही होगी। बोलना बोलना, मेरा इसमें रोल क्या होगा? इसमें अरे बोला ना, तुझे गोली का रोल होगा। ठीक है अगर तुझे गोली का रोल भी नहीं करना है तो मेरी अगली फिल्म में काम कर, आमिर खान प्रोडक्शन प्रेजेंट मुर्दे की मौत। चीता पड़ी हुई है, उस पर लाश लेटा हुआ है। ओके फिल्म शुरू हुई, चीता जली, मुर्दा खत्म। लेकिन इसके अंदर मैं कहा हूँ मुर्दे का रोल। सेंट्रल कैरेक्टर तेरा, सेंट्रल कैरेक्टर। तू मुझे मुर्दे का रोल देगा? अरे हाँ रे, फिल्म के शुरू होते के साथ ही तू जलकर राख हो जाएगा, ऐश ही ऐश। लेकिन ऐश तू अभिषेक की है? अभिषेक किए, लेकिन हमने भी तो ऐश किए। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठ। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इसकी पाठशाला है कहाँ। आइला तेरे को बोला ना पीछे नहीं देखने का, मेरे को तेरे पे डाउट है। सुन मैं तुझे अपनी एक फिल्म में रोल देता हूँ। अच्छा वो तो मैं तब करूंगा ना जब डायरेक्टर मेरे हिसाब से डायरेक्शन करे, हीरोइन मेरे हिसाब से रोमांस करे, फाइटर मेरे हिसाब से स्टंट करे, और हाँ अहम बात, असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे हिसाब से हो। हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे एक चश्मे वाली लड़की चाहिए होगी असिस्टेंट के लिए। आइला तू पर्सनल हो रहा है। हाँ हल्ला बोल। एक मिनट मेरी बीवी का फोन। हाँ अच्छा मेरी बीवी का फोन। हाँ हेलो आइला, किरण तो मेरी बीवी है। अरे चुप कर यार। हेलो किरण तो तेरी बीवी है। नहीं दोस्त है। हेलो कौन बोल रहा है? रॉन्ग नंबर। अरे हकले रॉन्ग नंबर छोड़, राइट नंबर लेते। शर्मा जी क्या कहेंगे आप हमारे आमिर और शाहरुख के बारे में? मैं तो यही कहूंगा अगर ये दोनों फिल्मों में आ जाएं तो वो दोनों क्या करेंगे। मैं आपको देख रही थी शर्मा जी, इस परफॉर्मेंस पर आप बहुत हंसे। मुझे क्या मालूम था आप ही मुझे देख रही हैं। लवली। ओके क्विकली मूविंग ऑन, प्रीति। सॉरी जजेस, आई वांट टू गिव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन। दैट्स एक्सीलेंट। आई वांट टू गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। अरे भाई मैं तो दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया, लेकिन आपने इन दोनों के जो आपस के राज है जो खोले हैं, जो मैं नहीं जानता था, काफ़ी सारे राज। My God. ये मैं नहीं कहता कि इन राज से मैं इत्तेफाक रखता हूँ या नहीं, मगर फिर भी इट वॉज़ वंडरफुल। और आप लोगों ने आमिर की बहुत कम लोग इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन करके नकल उतार लेते हैं। अली आपने वो तुम कैसा ही रहनी है यार, कितने अच्छे काम करते हैं, थोड़ा लोचा हो गया वो यार, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। बहुत अच्छे किए तुम, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। वो काशिफ तुम तो एक्टर बन गए। वाकई एक्टर बन गए, हमको बहुत खुशी हुआ। हम आपको 10 देंगे। 10 points। थैंक यू सर। आप लोगों ने हिला कर रख दिया काशी भाई, लेकिन अली तुमने तो यार फोड़ के रख दिया। जैसे मैंने कहा अगली बार आके फोड़ देना। बहुत मेहनत है, क्योंकि आमिर खान को कॉपी करना कोई मामूली बात नहीं। आपने इतना बेहतरीन पकड़ा, उसके अलावा बहुत अच्छे हर जगह आपने तुम्हारा मुंह छुपा हुआ था फिर भी। उसके बावजूद भी आमिर जो है गरीब बन के बाहर आ रहा था। शाहरुख साहब मैं एक पॉइंट भी आपको कम नहीं दे सकता इसके अंदर। सर थैंक यू। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, ये एक्ट हम क्या देखे। आई वॉज ओनली वॉचिंग यू, आई एम सॉरी काशिफ, लेकिन अली अब हमारा आर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी ओल्ड, मतलब आर वेरी प्लेटोनिक रिलेशनशिप, देयरफॉर योर वाइफ। मैं नहीं मानता। योर वाइफ, यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू क्लेरिफाई दैट। योर वाइफ और माय हस्बैंड शुड हैव नो ऑब्जेक्शन टू मी सिंगिंग दिस सॉन्ग, बट आई विल से तेरे चेहरे से वाकई में आई वाज ओनली वाचिंग यू, यू एंड यू एंड काशिफ। तुमने मतलब ऑफ कोर्स द सपोर्टिंग थिंग वाज देयर, बट
Ali, as Aamir, you were mind-blowing. But there was still something that I feel could have been better. But again, I will be a little conjuice, like I was conjuice in Swapnil and VIP. So I'm going to give you a 9. Thank you. 9 points. Thank you. Thank you. और अब चार लाइना सुना रही हूँ. पत्नी बोली, ए जी, मैंने पड़ोसन से शर्त लगाई है कि मैं अपनी सास न हंसाऊंगी, पर उन्हें तो कैस्टर ऑयल पी रखो है, उसे हंसी कहीं आएगी. पति बोला, री बावली, उसे सुरेंद्र शर्मा की फोटो दिखा दे, हंसी खुद ब खुद आ जाएगी. जोरदार तालियों से स्वागत करिए सुरेंद्र शर्मा जी का. चार लाइन सुना रही हूँ और जिससे आप सब लोग दुखी हैं उसी पर ही सुना रही हूँ. इनकम टैक्स वालों की मेरे पास चिट्ठी आई, ई साल थे कवि सम्मेलन में जितनों भी कमायो बैंको ब्यूरो वे टैक्स माने भिजवा दियो. मैं जवाब लिखियो, ई साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा है, मैं को कितनों परसेंट भिजवाऊं? या बतला दो, थे कहो तो सारा का सारा भिजवा दू, और जहियाँ मेरे पड़े हैं वहीं पढ़वा दू. पर इनकम टैक्स वालों का जवाब आ गया था कि हमारे तो 1 लाख तक छूट है, अभी 1000 पड़े हैं, बाकी और खा सकते हो. बहुत अच्छे, तो चार लाइन और सुना रही हूँ. बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा. अभी मैं घर से चला, तुमने अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया, इसमें हंसने की क्या बात है? कई बार आदमी टेंशन को गले भी लगा लेता. मैंने उसे कहा, कैसा लग रहा? उसने कहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे चंदन के पेड़ के अजगर लिपट रहा है. 20-22 साल बाद बेचारे पति की यही हालत हो जाती है. आपकी हो गई क्या? तो फिर हंस क्यों रही हो? इन चार लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, शेर कोई घराड़ी से ज्यादा खूंखार थोड़ी होता है. तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूं, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आयो थो कि शेर मैं नहीं खा जातो. घरवाली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती. दस थोड़ी चाहिए, 20 लाख था ना अमाउंट तो. दस और दस. अच्छा, 10-10 आप दोनों देंगे. और राजनीति पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, ये कोई कविता के विषय नहीं है जिन पर कविता लिखी जाए, ना हिम्मत की बात है ना मर्दानगी की बात है. मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर लिख करके दिखाए, सीधी सी बात. और चार पंक्ति देना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बिचारी सीता है. रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी. और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बिचारी द्रौपदी है. कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हारती जाएगी. और आखिर यही कह सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है. हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी. और मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मौका दिया यहां पर आने का. ओशो ने कही थी कि जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और हंसते आप तब हैं जब किसी की तकलीफ में आप रोना सीख जाते हैं. अगर किसी की तकलीफ में आपको रोना नहीं आता तो आपको हंसने का हक नहीं दिया किसी ने.
लेकिन तालियां मैं इस बात पर चाहूँगा, ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते हैं तो फिर ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेल, दैट वाज श्योर एन इलेक्ट्रिफाइंग इवनिंग। और अब बारी है दोनों जोड़ियों के स्कोर्स के टैली की। विद द सेकंड राउंड स्कोर्स, दोनों टीम्स के बीच सिर्फ एक पॉइंट का अंतर रहा है। अकॉर्डिंग टू आवर जजेस स्कोर्स, Ali and Kashif are now leading with 53 points, and right behind them are Swapnil and VIP with 52 points. But this battle is yet not over. There's a long way to go. Audience ke scores ko jodna abhi bhi baki hai, aur finals ki is race ka last phase wo agle hafte baki hai. The tables can turn again. Jodiyon ke aaj ke scores aur agle hafte ke final scores ke cumulative scores ko milakar ये डिसाइड होगा कि कौन सी जोड़ी है अनबीटेबल, कौन सी जोड़ी है मैचलेस, और कौन सी जोड़ी है कॉमेडी सर्कस की चैंपियन, जो ले जाएगी 20 लाख रुपए, सोनी के साथ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट और ये शानदार ट्रॉफी। तो अगले हफ्ते डोंट फॉरगेट टू जॉइन द कार्निवल, द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस ग्रैंड कॉमेडी सर्कस, जहां आखिरी मौका होगा आपकी सातों जोड़ियों से फिर से मिलने का।